झंडा जो है नीतीश कुमार टीएसपी चला रहे हैं, ये जो गठबंधन करने का क्या जरूरी था इनको, ये गठबंधन कर करके जो है ये किसान का जो है इतना बड़ा जो धक्का मुक्की खाना पड़ रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, कपार फट रहा है, कितना आदमी बेहोश हो रहा है, यही सरकार नीतीश कुमार का है। आप सर ऊपर भेजिए ना, पैसे थाने प्रभारी से पूछिएगा ना कब आएगी। हमारे को फोन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो हम क्या करें, आप ऊपर दीजिए ना। हाँ क्या बात सर, आपका नाम? हाँ ऋषि नायक। सर यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं आई? आ रही है, आ रही है। चार बजे की एक बजे से सड़क है, एक बजे दो बोरा पर आफत जगह है, ऐसा कहना सब सरकार न करी रही है। सरकार खाली बदमाशी करता है। अब जा पाइएगा, मर जब की काम देता नीतीश हमारा। हाँ नीतीश को काम देगा, आपको काम देगा। आखिर कैसे की खाए बुढ़िया, पैसों जल्दी नहीं तो है खाए कौन चीज। आप अंदर है सब स्टॉक करके इसको ब्लैक में 800 900 700 के रूप में बेचता है, रेट में 800 रुपये में बेचता है सर, 800 रुपये में, 800 रुपये में खाद बेचता है, और 10 11 बजे रात में खाद बेचता है सर जी, 10 11 बजे खाद में रात में बेचता है। सब दुकानदार की बात कर रहे हैं, खाली ब्लैक चाहे वो दे, खाली बोले ना ब्लैक कर रहा है, प्रशासन के नाम पर सब जीरो हो गया। प्रखंड पदाधिकारी से क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग करेंगे कि सर उचित हम लोग को प्रखंड में क्या कहते हैं पंचायत में मिले खाद। नमस्कार, मैं राजीव कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया सच तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं हवेली खड़गपुर ब्लॉक के पास, और यहाँ यूरिया खाद लेने के लिए किसान आए हैं और बहुत ही संख्या में ज़्यादा भीड़ है। उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अक्सर किसान का मजबूरी होता है लाठी खाना। क्या क्या परेशानी हो रहा आप लोग को? दो बजे से लाइन पर लगे हैं, अभी तक खाद नहीं दिया, काउंटर बंद कर दिया। क्यों नहीं दिया है? भीड़ के कारण में सरकार का लापरवाही है, ये सब सरकार का लापरवाही है, यही नियम है किसान का मारने का। कम से कम डबल क्विंटल करवाता, डबल क्विंटल करवाता है। पंचायत क्यों नहीं मांग करते कि हमको पंचायत में खाद मिला जाए? किससे मांग? मुखिया मर गया सर, पैक्स में सर जो है ना जीत जीत के मदर चौथ जो है ना पागल हो गए। पैक्स में सर कम से कम देना चाहिए खाद, पैक्स बाय पैक्स अपनो दे दे, अपनो पंचायत में बंट जाए। सर देगा तब ना सर, वो तो बोलना जाता है। पंचायत को भेजिए, प्रत्येक पंचायत में आसान होगा किसान को। आप अपना मुखिया जी को बोलिए, अपना पैक्स अध्यक्ष को बोलिए कि पंचायत में खाद मिले। मुखिया जी के पास आता है ना, तो मुखिया जी करता है ब्लैक में बेचता है, 600 रुपया लेता है, 700 रुपया लेता है। मुखिया जी यही काम करता है। मुखिया जी कहाँ दिखा रहा है कि आया है तो हम? आप कौन सा पंचायत से? हम कोरिया पंचायत से। कोरिया पंचायत से? हाँ। अरे मुखिया जी आप लोग को आने की कहीं पे, सब पंचायत का है, कहीं पे आता है सब लोग बल्ले के में बेचता है। कोई मुखिया ना आया, यही हाल है। क्या बोले? 18 पंचायत का आदमी है, एक पंचायत का है ये। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि जो है ना कि हम लोग और हम सब खाद मिले? सब करते हैं, लेकिन करने से क्या होगा? यहाँ कोई सुनने वाला कौन है? कोई नहीं सुनता है। बोलिए सर। पूरा प्रखंड का आदमी नहीं है सर, पूरा अनुमंडल का आदमी है। अनुमंडल का आदमी है यहाँ। अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ पे खड़ा है और 2 बजे रात से सुने खड़ा है? हाँ सर 2 बजे रात से खड़े हैं, रात से खड़ा है। और यहाँ पे खाद का काउंटर बंद कर दिया गया? हाँ हाँ सर। हाँ, सर जी। और जो है ब्लैक में खाद क्यों मिल रहा है? ब्लैक में सर खाली वहाँ पे वाणी घुसखोरी हो रहा है सर, 800 रुपया में बेच रहा है, और यहाँ पर जो मतलब बेवानी कर रहा है सर। देखिए देखिए इस महिला को, देखिए किस तरह से परेशान है। देखिए सर एक बात, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे सर कि महिला पुलिस यहाँ क्यों नहीं आई? बढ़िया, हम तो पहले बता चुके हैं, बढ़िया पदाधिकारी हैं, बगल में उनसे पूछा। कौन आपके बड़े कौन है? हाँ क्या बात सर, आपका नाम? हाँ ऋषि नायक। सर यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं आई? आ रही है। हाँ। जब तक आने की किसी का आने की को बेहोश गिर जाएगी सर, कोई लाठी में देखिए यहाँ कोई लाइन में रहने के लिए मान में नहीं कर रहा है कि लाइन लगाते हैं, फिर गैदरिंग करता है महिला लोग। महिला है जिस तरह से सर आप लोग आए हैं, तो कुछ महिला प्रशासन महिला भी है बाहर में है उसको। हाँ बाहर में है तो उनको सर बुलाइए। देखिए उसको बुलाने के लिए जा रहे हैं हम, महिला भी है साथ में, जेंट्स में भी रहा, लेकिन महिला कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है सर। सबसे ज्यादा गैदरिंग महिला कर रही है सर, तो थोड़ा सा आप लोग अगर प्रयास कीजिएगा ना सर। तो प्रयास में है, इसीलिए हम लोग आए हैं। इसको थोड़ा बुला दीजिए, एकदम तुरंत जा रहे हैं, बुलाए गए बगल में है, उसको बुला देते हैं। नहीं होता है ना तो आप लोग थोड़ा अगर थाना प्रभारी सर बात करके महिला पुलिस को जल्दी एकदम तुरंत आ गई, महिला पुलिस आई है। महिला को लाइन लगाते हैं फिर गैदरिंग कर देता है लोग, महिला सब गैदरिंग कर रही है, क्या करेंगे कहीं ना कहीं सर। हम अभी नहीं,
सर सुबह से 8 बजे से यहाँ पे हैं, तो 8 बजे से हम थाना प्रभारी को हम फोन कर रहे थे लेकिन मोबाइल उनका ऑफ बता रहा था, तो बहुत देर के बाद सर एक्सीडेंट हुई थी ना वो सब उसी में हम लोग लगल थे, एक्सपोर्ट डेथ हो गया, उसको हॉस्पिटल लाए, मान लीजिए हम लोग भी वहाँ गए, वहाँ से जब फोन हुआ था यहाँ भागल आए सर, थोड़ा प्रयास आप लोग, हाँ एकदम प्रयास है उनको, थोड़ा महिला को सर ठीक है, ठीक है बुला रहे हैं। जितना भी सर लाइसेंसधारी दुकान दुकानदार है सब स्टॉक करके इसको ब्लैक में 800 900 700 के रूप में बेचता है, रेट में 800 रुपये में बेचता है सर, 800 रुपये में 800 रुपये में खाद बेचता है, और 10 से 11 बजे रात में खाद बेचता है सर जी, 10 से 11 बजे खाद में रात में बेचता है, सब दुकानदार की बात कर रहे हैं, खाली ब्लैक चाहे वो दे खाली ब्लैक कर रहा है, प्रशासन के नाम पर सब जीरो हो गया है। प्रखंड पदाधिकारी से क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग करेंगे कि सर उचित हम लोग को प्रखंड में क्या कहते हैं पंचायत में मिले खाद, पंचायत में मिले वार्ड में मिले, जितना भी अधिकारी जांच में जाता है उसके अंदर जाने के बाद 10,000-15,000 लेके उसके बाद फिर वही नियम चालू कर देता है दुकानदार, सबको घुस देता है, एक भी बढ़िया नहीं है, प्रशासन खाली दे दिया है सर, पदाधिकारी एक भी नहीं आता है, पदाधिकारी एक भी नहीं आ रहा है, बोलेगा कि हमको खाद चाहिए, बोलेगा नहीं नहीं 600 रुपये होगा, जिस तरह उसमें भी नहीं देगा, जिस तरह मिलना चाहिए पहले ठीक ठाक था, पहले कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन तो दिया। आप देखिए बॉर्डर पे जो है ना जवान गोली खाते हैं, यहाँ किसान लाठी खाते हैं, बिहार का दुर्भाग्य है इस तरह से देखिए, और अगला बार भी हम लोग न्यूज को ओवर किए थे और इसी लोग पे जो है ना इसी तरह से किसान पे जो ना लाठी बरसाया गया था, अगला बार इसी ब्लॉक पे और इसी जगह पे जो ना इस तरह का हुआ था, अगला बार भी हम लोग इस न्यूज को कवर किए थे लेकिन अभी तक उस चीज़ को सुधार नहीं किया गया, क्योंकि जो है ना अगला बार यही लोग मार खाए थे, इस देश का जो है दुर्भाग्य है और क्या कहें, और एक महिला अभी जो है बेहोश हो गई थी लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन, अभी हम बात किए उनसे बोला कि अभी जो है ना हम फोन किए पुलिस महिला पुलिसकर्मी आएगी, अब कब आएगी हम लोग भी देखने का 8 बजे से ही है, देखने का प्रयास करते हैं, हम लोग तो थाना प्रभारी को फ़ोन किए थे 8 बजे ही फ़ोन किए थे लेकिन उसका फ़ोन तो ऑफ बता रहा, लगा नहीं फ़ोन, और लगातार हम किसानों का मजबूरी को हम दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि ये लोग लाठी खाने के लिए ही किसान बने हैं, किसानी तो ये है कि सरकार निकम्मा है, मोदी जी इतना दिमा सब किसान को इतना 2,000 रुपया इतना देता है लेकिन खाद नहीं दे रहा है, पैसा किसको दे रहा है, वो सबको बेवकूफ ना बना रहा है किसान को, हम लोग इतना 2 बजे रात से खड़ा है, 2 बजे रात से इतना खड़ा है, जिस मुखिया को क्यों नहीं बोलते हैं कि जो ना मेरा खा पंचायत में मिले, मुखिया मा को क्या बोले जब मा यहाँ प्रशासन यहाँ का जो अनुमंडल का BDO साहब हैं SDO साहब हैं वो जब नहीं करवा रहे हैं तो मुखिया का क्या करेंगे, सब अंदर अंदर जो है कि सेलिंग हो रहा है तो फिर मुखिया क्या करेगा यहाँ, यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी से हम अनुरोध करेंगे कि या तो पंचायत बाय पंचायत खाद को वितरण किया जाए, पंचायत बाय पंचायत खाद को वितरण किया जाए, या तो जो है ना जैसे पंचायत बाय पंचायत का अलग काउंटर किया जाए, इसमें जो है ना सर किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, अन्यथा इसी तरह से लाठी ये लोग खाएंगे और इसी तरह से परेशान रहेंगे, सब परेशान रहेंगे, किसान का किस तरह से आक्रोश है, क्या आरोप लगा रहे हैं, दुकानदार सारे माल ले रहा है, हम लोग खड़ा है लाइन में, फायदा कहाँ हो रहा है, खाली काला बाजारी हो रहा है, और क्या काला बाजारी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, किसान को फायदा कहाँ मिल रहा है, अभी से खड़ा है 4 बजे से खड़ा है, लाइन हिल नहीं रहा है, लाइन हिल नहीं रहा है, दो बोरा अगर देगा तो नहीं घटेगा आदमी, जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खड़ा, एक बोरे तकलीफ दे लेकिन सब यहाँ 4 बोरा 5 बोरा काला बाजार हो रहा है, निकल के सारा माल ब्लैक में जा रहा है, बुजुर्ग आदमी है अभी खड़ी है सवेरे से, एको बोरा नहीं मिला, 4-4 बोरा का काम है अभी खाद का, यानी कि आप लोग को यानी कि 4 बजे या 5 बजे से खड़ा आप लोग हैं, खड़ा है, इतना परेशान था पर आपको खाद नहीं मिला, नहीं है, दूसरे लोग धक्का जब मरता है ना तो अगला आदमी पीछे हो जाता है, हाँ और जो पीछे हो जाता है लाइन में लगा 25 बोरा 30 बोरा लेके गया, 25 बोरा 30 बोरा लेके गया, कहे गया खेती लगा कोई खाद नहीं, खाली आप
पब्लिक के बदमाशी है। ककरो ब्लैक करे ल देता है, ककरो यहां एको दो बोरा बेनमो छे, काहे के लिए ऐसा करता है, पब्लिक को बुड़बक बनाता है सब मिलकर के। सरकार सरकार आप देखिए किसान किस तरह से परेशान है, और कहीं ना कहीं गरीबों का हक और किसानों का हक मारा जाता है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए किस तरह से ये लोग ये 4 बजे की 1 बजे से सड़के 1 बजे दो बोरा पर आफत छे, काहे ऐसा कहना सब सरकार न करी रहल छे, अब ब्लैक करी रहल छे, गाड़ी देला धर दे एक को बोरा के देती सरकार, पब्लिक लोग तब ने मबला, सरकार खाली बदमाशी करता है। यानी कि किसान का सीधा आरोप है कि ब्लैक में खाद को दिया जा रहा है, और हम लोग को जो ना सिर्फ गुमराह में रखा जा रहा है लाइन लगा करके कि कहीं भीड़ हो जाए और भीड़ काउंटर बंद कर दे, इसी खाद को फिर ब्लैक में बेच दे। देखिए किस तरह से भीड़ है, और देखिए यहाँ पे हम सर से भी बात किए थे, सर बोले कि महिला पुलिस को हम बुला रहे हैं, लेकिन अब कब तक बुलाएगा इसका कोई अनुभव कोई गारंटी नहीं है। क्या सर अभी तक थाना में फोन गया है? थाना से आने में 5 मिनट काफी है सर, 2 मिनट 4 मिनट काफी है, वो तो प्रभारी ने बताएंगे। प्रभारी को कॉल कीजिए, प्रभारी का नंबर दीजिए, हमको बात करेंगे प्रभारी का, प्रभारी से दीजिए नंबर हमको। अरे वो सर नहीं थे, सर बोले जब आ रहे हैं आ रही होगी। आप देखिए महिला को और देखिए पुरुष दोनों एक समान मिल गया, ये परेशानी अगर दोनों लाइन को आप साइड भी नहीं कर सकते हैं तो बताइए बीच में क्या करेगा, दोनों तो एक ही हो गया। गलती इन लोग का भी है, देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए ना। नहीं महिला महिला पुलिस को सर बुला दीजिए। बाट भाई बाट देता तो कितना अच्छा होता, 4-5 बाट पे एक दिन देता। सर आप लोग का दायित्व बनता है, अरे दायित्व बनता, लेडीज पुलिस आ रही है, अभी हम लोग को पता नहीं था, अभी हम लोग आए हैं घंटा पहले, उन लोग भी आ रही है, बुलाइए लेडीज पुलिस को बुलाइए। आप पुरुष और महिला दोनों आपस में देखिए आप किस तरह से जो ना भीड़ है, लेकिन हम सर से बात करने का प्रयास किए तो सर बोले आ रहे हैं, और अभी 1 घंटा से आ ही रहे, कब तक महिला पुलिस आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ का पुलिस प्रशासन देख रहे हैं कि इतना, जबकि जान रहे हैं कि कुछ महिला यहाँ पे बेहोश हो गई थी, अभी एक महिला बेहोश हो गई थी, लेकिन तब पर भी जो है ना एक बच्चा भी बेहोश हो गया था, लेकिन तब पर भी अभी तक महिला पुलिस को नहीं बुलाया गया है, और हम जब बोले तो बता के फोन कर दिया गया महिला पुलिस आएगी। महिला पुलिस कब तक आएगी? सब क्लोज हो गया है फोर्स, सब इलेक्शन में, अब हम लोग या हम लोग को वहाँ ड्यूटी में बटल है समझे ना, अब हम लोग यहाँ आ रही है महिला, अब बुला करा दीजिए आप लोग, काल परेशान मर जाएगा। बिस्कुमान कैसे गद्दारी है, जान कैसा करवा रहा, प्रत्येक साल गैदरिंग करवाता है बिस्कुमान। झंडा जो है नीतीश कुमार TSP चला रहे हैं, ये जो गठबंधन करने का क्या जरूरी था इनको, ये गठबंधन कर करके जो है ये किसान का जो है इतना बड़ा नदी जो धक्का मुक्की खाना में पड़ रहा है, लाठी चार्ज माध्यम हो रहा है, कपार फट रहा है, कितना आदमी बेहोश माध्यम माध्यम हो रहा है, यही सरकार नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का ही सरकार है अभी तो बरकरार, नीतीश कुमार का ही सरकार है अभी तो गठबंधन किया, तो गठबंधन बाद में हुआ है, लेकिन सरकार तो वही संभाल तो राजपाट वही रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को सोचना भी तो चाहिए कि किसान को क्या परेशानी है। एक तो अति वर्षा के मारल जो है धान नहीं हुआ, अभी गेहूँ का जब फसल है तो इतना खाद का लिए जो है कि लाठी खाद चार्ज हो रहा है, कपार फट रहा है, कितना लड़का बेहोश होकर के इतना गिर गया, कितना जो है अभी इतना जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के बैंडेज करवा रहा है, यही नीतीश कुमार का सरकार है। तो आप सुशासन का सरकार देखिए, आप सुशासन बाबू का सरकार आप देख सकते हैं किस तरह से है, फलाना कर दिया जनता के लिए क्या कर दिए, एक बोरा खाद देने के लिए उतना जनता लोग परेशान है, बोलता है कि हम जो है ना बिहार को विकास कर दिए हैं, देखिए यही है नीतीश कुमार का सरकार। देखिए आप और देखिए इस तरह से, देखिए इसको दिखाइए इसको, कुछ नहीं है तो खाद मिले रहे, वो सर ले रहे, वो सब बन अब आधार कार्ड खोजे वो नहीं देवो, देखिए 4 बजे से जो लोग घेराबंदी में है वो आता है, एक मशीन रहता है, एक आदमी में 5-10 मिनट समय ले रहा है,
कितना आदमी को मिलेगा? किसान पदाधिकारी को आप बात कीजिए। आप विश्वमान जान के गैदरी करवा रहा प्रत्येक साल ही करवा रहा सर। मर जाएगा उसके बाद महिला पुलिस आएगी सर? कोई मर जाएगा मतलब उधर जो बेहोश है एक दो को बेहोश हो गई, मरने बाद महिला पुलिस आएगी यहाँ पे सर? क्या पूछे आप सर ऊपर भेजिए ना पैक्स में थाना प्रभारी से पूछिएगा ना कब आएगी। हां हमारे को मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो हम क्या करें? आप ऊपर दीजिए ना, ये आप क्या कर रहे हैं? इसलिए सेवा कर दीजिए ना, हम लोग को फर्क ना, हमको भेज दिया, हम लोग को लगल है, हम कपड़े कर मार मार कर ना, हम कपड़े से लगल, नहीं हम कपड़े से लगल सर। आपसे हम एक ही सवाल रखिए, आप सर ऊपर प्रशासन पदाधिकारी को दीजिए, जो अच्छी नियुक्त करने वाला वही ना करेगा, हम क्या करें? हमको लगा दिया, हम लगा सुनिए विश्वमान के जाए जो इसका मैनेजिंग है उससे बात कीजिए, कहिएगा पंचायत बाई पंचायत कंट्रोल बनवाइए। तो सब प्रत्येक साल गैदरी करवाता है वो सर, उसका कंट्रोल मिलेगा ब्लॉक कोई ऐसा पंचायत पंचायत ब्लॉक कोई स्टाफ बताएगा, हम लोग उसका नंबर नहीं जानते हैं, समझे ना? ब्लॉक से पूछिए, वीडियो सीओ से नंबर बता देगा। अब पंचायत पंचायत कर देता है ना तो गैदरी नहीं होता, ठीक है? हम इसलिए पूरा पंचायत के लोग आता है, अब 4 बजे भोर से लगा और ये आता है 8-9 बजे, भीड़ होगा नहीं तो होगा, लेकिन सर कम से कम उनका हम परेशानी इन दोनों को तो जो वही कह उनका हम लोग को फोर्स चला के आप इलेक्शन, हम लोग भी मुंगेर में है, यहाँ खाली हम लोग कौन है, सब आदमी चुनाव में लगा अभी ड्यूटी कर, अभी हम लोग यहाँ आए पुलिस लाइन का लोग लोग भी समझ सकता, लेकिन जो ना महिला लोग हम आप पागल हो जाएंगे नहीं समझेंगे। प्रत्येक साल भी ऐसा ही करता है, गैदरी करवाता है जान के, जान के गैदरी करवाता है। क्या नाम बताया अभी है? वीडियो सीओ से पूछिए कि विश्वमान पदाधिकारी जो खाद का डायरेक्टर है ना उससे बात की, ठीक है? बुलाओ। देखिए यही है नीतीश कुमार की व्यवस्था, आप देख सकते हैं, यही है नीतीश कुमार की व्यवस्था, आप देखिए किसान को किस तरह से जो है ना इस्तेमाल किया जाता है वोट लेकर के, और वहाँ बड़े बड़े नेता जो है ना गद्दी संभालने में व्यस्त रहते हैं और यहाँ किसान लाठी खाएंगे, आप देखिए किस तरह से, यही अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और यही व्यवस्था की बात करते हैं मुख्यमंत्री और जो है ना और तेजस्वी यादव भी जो है ना बात करते हैं इसी रहेगा जब तक जो है किसान यहाँ का जो है लाठी चार्ज खाना चलते रहेगा, यही आप जा पाइएगा की काम देता नीतीश हमारा, नीतीश काम देगा आपको काम देगा कैसा बुढ़िया पैसों जल्दी नहीं दो है खाए कौन चीज़? आप अंदर नहीं जाइए, ठीक है? आप जो है ना बाहर रहिए, बाहर 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 रहिए, बाहर रहिए, मामा को ये दिला दे बाहर, अंदर नहीं जाइए आप, ठीक है? अंदर इधर रहिए, अंदर रहिए, खाद आपको काम नहीं देगा, इधर रहिए आप, हम तीर से अपने नीतीश कुमार का सरकार है ना के है ना है नीतीश है हाँ नीतीश की सरकार है ना जाना बोलवा देगा तो ता जगह देबो ना तो अखिन खाबो ना जो मंगनी पैसा तो ले वो दू पैसा नहीं देल के तो कैसे बुढ़िया बचते बेटा पुतो खाई ना तो है की करिए इतना ही कहना चाहिए कि ऐसे ऐसे किसान और इस तरह से गरीब गरीब किसान के ऊपर जो है ना इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए, गरीबों का हक मिलना चाहिए और यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी से हम नम्र निवेदन करेंगे कि इस विषय को जाँच किया जाए, क्योंकि अगर खाद मिलता है अगर खाद यहाँ कम आता है तो जो ना ब्लैक में खाद क्यों मिलता है? यही खाद 500 या 600 में हर दुकान में 1000 रुपये में मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से कालाबाजारी हो रहा है, इस चीज़ को जांच किया जाए। यहाँ के मुंगेर के DM साहब से हम अनुरोध करेंगे इस विषय को जांच करें और जो है ना संज्ञान में लेकर जांच करें। ऐसे DM साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे आकर के इस विषय को भी जाँच करें। नमस्कार, धन्यवाद।